तो दोस्तों, क्या आप इलायची का पौधा घर में उगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किचन में रखी हुई इलायची से क्या आप इलायची का पौधा उगा सकते हो घर में या नहीं? तो इस वीडियो में हम अपडेट के साथ पूरी देखेंगे कि हम घर में ही इलायची का पौधा उगा सकते हैं या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ इलायची ले ली हैं जिनको मैं उगाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इनको काट लूँगा, इनके कवर से बाहर निकाल लूँगा इनके सीड्स को। सीड्स को काटते हुए आपने ध्यान ये रखना है कि सिर्फ उनका कवर कटना चाहिए, सीड्स में कहीं ऐसा ना हो नाइफ आपके सीड्स में लग जाए और सीड्स आपके ख़राब हो जाएँ। तो सीड्स को हमने नहीं काटना, सिर्फ बाहर से कवर में से आराम से सीड्स को हम बाहर निकालेंगे। इंडिया में जो है ये कार्डमम का जो प्लांट है, ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में उगता है। इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं। थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है ये, सैफ्रन और वनीला के बाद। मैंने सीड्स सारे निकाल लिए हैं इलायची के। अब हम इसको एक ग्लास में पानी से भर के एक ग्लास में रख देंगे और 48 आवर्स के लिए हम इसे पानी में छोड़ देंगे। 48 आवर्स यानी दो दिन हम पानी में छोड़ेंगे। इससे स्कारिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है सीड्स में और सीड्स को जर्मिनेशन होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, काफ़ी आसानी मिलती है। इसको फ्रेंड्स, अब हम पानी से भर के ग्लास को दो दिन के लिए किसी छाया वाली जगह में ढक के रख देंगे। तो ये जो प्रोसेस फ्रेंड्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरे को एक नर्सरी वाले जो नर्सरी पे जो काम करते माली हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो दोस्तों, दो दिन बाद आप देख सकते हैं, दो दिन के लिए मैंने पानी में भिगो रखा था इन सीड्स को और अब पानी का कलर भी चेंज हो गया है। साथ ही साथ जो है सीड्स भी थोड़े से फूल गए हैं। जो कार्डमम के सीड्स मैंने भिगोए हुए थे वो भी थोड़े से फूल गए हैं। तो आज हम इस पानी को छान लेंगे, सीड्स सारे बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद मैं इसे इस पुराने जो आइसक्रीम का कंटेनर है उसके अंदर मैंने कोकोपीट ले ली है। कोकोपीट के अंदर हम सीड्स को उगाएंगे। जितने भी हमारे एक्सपेंसिव या रेयर सीड्स होते हैं उनको हम कोकोपीट में उगाते हैं डायरेक्टली। कोकोपीट में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, जड़ें बहुत जल्दी बनती हैं। तो कोकोपीट जो हमने ली है उसको हमने थोड़ा सा जो है धूप में सुखा लिया था। उसे पहले हमने पानी से धो के फिर धूप में सुखा लिया है, अच्छी तरह से स्टेरलाइज कर लिया है हमारी कोकोपीट को। सीड्स को हम बिल्कुल हल्के हाथों से उठाएंगे और हल्के से उन्हें हम कोकोपीट के ऊपर रखते चले जाएंगे। हमें ज़्यादा सीड्स को डैमेज नहीं करना। और काफ़ी सारे आप सीड्स लीजिए क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है कार्डमम को सीड से उगाना, जिससे हमारा जो है चांसेस बढ़ पाएँ सीड जर्मिनेशन के। मैंने सीड्स को कंटेनर में अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर एक पतली सी लेयर जो है कोकोपीट की करेंगे। कोकोपीट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो ऑलरेडी मॉइस्ट है, तो अब मैं इसके ऊपर से हम मग से या फिर पाइप से पानी नहीं डालेंगे, वरना सीड्स अपनी जगह से हिलेंगे और जर्मिनेशन के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से कवर कर देंगे पूरे प्लांट को। मैंने सीड्स को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब मैं इस कंटेनर को एक छाया वाली जगह पर रख दूँगा जब तक मुझे जर्मिनेशन नज़र नहीं आती। तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। दोस्तों, 90 दिन बीतने के बाद ये मुझे रिज़ल्ट मिला है और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ रिज़ल्ट से। ये जो भी आप इसमें पौधे देख रहे हैं ये सदाबहार के बीज हैं, जो सदाबहार के बीज उड़ के गिर जाते हैं गार्डन में इधर उधर, ये वही उग गए हैं। एक भी कार्डमम का पौधा मुझे इसमें उगा हुआ नहीं दिखा है। इतने दिन की मेहनत, इतने दिन की पेशेंस के बाद ये इस तरह का रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको दिखाना। पता नहीं है मैं वीडियो अपलोड भी करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन और रिसर्च करने के बाद मैंने जाना कि जो सीड्स होते हैं इसके, जो कार्डमम के सीड्स हैं, वो बिल्कुल जब फ्रेश होते हैं तभी वही वाले सीड्स उगते हैं। और जो हमारे किचन में जो सीड्स अवेलेबल हैं काफ़ी पुराने होते हैं, हमें लग रहे होते हैं कि ग्रीन ग्रीन दिखने में नए होंगे लेकिन वो नए नहीं होते। तो इसके लिए हमें फ्रेश सीड्स चाहिए होते हैं। मैंने मुन्नार की एक नर्सरी पे कांटेक्ट भी किया था लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मेरे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं किया। सो ये जो प्लांट है, एविडेंटली ये प्लांट जो है सकर्स इसके निकलते हैं मेन प्लांट में से, उसमें से प्रोपोगेट किया जाता है। सीड से अगर इसको उगाना भी है तो सीड से उगाने के लिए हमें एक फ्रेश सीड्स इसके चाहिए, जो स्पेशल तरह के सीड्स आते हैं। और वो सीड्स जो हैं हम मुझे कहीं पर भी पर्सनली नहीं मिले, ना ही मुझे ऑनलाइन इसके सीड्स मिले हैं, ना ही मुझे किसी नर्सरी में इसके सीड्स मिले हैं। मुन्नार की नर्सरी में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई कांटेक्ट नहीं मिला। अगले साल अगर मैं केरला गया तो घूमने के लिए जाऊँगा मैं साउथ इंडिया, तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा लाने की प्लांट और सीड्स वगैरह। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे घर में उगा के मत देखिए क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, ये नहीं उगने वाला। तो YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें लोग किचन से कार्डमम लेकर के उसे उगाना सिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनमें से अपडेट नहीं दिखाता क्योंकि किचन से यूज़ करी हुई कार्डमम नहीं उग सकती। तो दोस्तों, फिर अगली बार हम किसी और होपफुल किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।